और इन लोगों के साथ काफ़ी समय तक हम बड़ी जगह पर गए। सबसे पहले जब यहाँ पर सर्वे हुआ तो यहाँ पर जो सर्वे करने वाले आए उन्होंने सर्वे किया, नोटिस लगाया, इन लोगों ने उसके बाद अप्रोच की डीसी के पास कि 20 दिन के अंदर आप कुछ कह सकते हो कि रोड को चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वहाँ पर गए, हमने वो दिया, उसके बाद वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद ये रोड जो है आपने जहाँ पर कैमरा लगाया होगा, ये रोड सीधा जा सकता था। 37 से 40 घर इस गाँव में आ रहे हैं, दुकानें आ रही हैं, लोगों का बिजनेस खराब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मकान जा रहे हैं बल्कि उनके पास जगह भी नहीं है मकान बनाने के लिए। बात है जी, लोगों की सही डिमांड है जी। ये इसका अलाइनमेंट इसकी चेंज हो सकती थी, लेकिन इन्होंने पूरे मोहल्ले उजड़ दिए हैं और लोगों को कोई पता नहीं है कि कितने पैसे हमें मिलने हैं। सहवा में तीर मार रहे हैं, नापते हैं, कुछ आ जाते हैं, कभी PWD वाले, कभी रायपुर वाले। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, एक दो को, जिनके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है, जमीन कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे वो। जब हम लोगों ने अप्रोच की रियासी DC के पास भी गए, उसने SDM को लिखा, ये ऐसे ही पापड़ बेलते रहते हैं, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। ये आप यहाँ पे लोगों की तकलीफ सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, PMO को भी लिखा, PMO ने NHAI को लिखा, लेकिन NHAI ने, इन लोगों का कहना है, NHAI ने फिर दोबारा कोई सर्वे किए बिना अपनी एक रिपोर्ट बनाकर PMO ऑफिस भेज दी और कह दिया कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ वैली है, तो सड़क इधर से ही चलेगी। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि सिर्फ इसी इलाके में मूरी में 38 घर टूटने वाले हैं, जो अभी लास्ट जो सर्वे हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का भी कहना है कि ये फाइनल सर्वे था, और ऐसा ही त्रीन म्याड़ी में भी होने वाला है, मगाल में भी होने वाला है। जो ये इलाके हैं यहाँ पे काफी घर टूटने वाले हैं। लेकिन हमने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश की कि इन लोगों को मुआवजा कितना मिलेगा, तो उन्होंने कहा अभी क्लियर नहीं है। बल्कि सरकार ही आखने जाने कि कुछ दिन पहले लिस्ट आउट होई है, भाई 9 लाख रुपया वो बना दा मुआवजा मकान का। मतलब अस ये नहीं चाहते हैं कि 9 लाख रुपये मकान नहीं बनता है साड़ा, तो अस गौरमेंट कने, मतलब कि सरकार कने ये चाहते हैं कि असी खुद के मकान बनाइए दियो, खुद बाड़ी दियो, तो अस ठीक हैं, राजी हैं। और ये इन्होंने सर्वे किया ड्रोन में, तो ये दो चेक पोस्ट हैं यहाँ, एक पुलिस चेक पोस्ट है, एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, उनको बचाने के चक्कर में पूरा मल्ला उड़ा दिया, पूरे मकान, जिसका मकान आ रहा है, जिसकी दुकान आ रही है, सब कुछ उड़ा दिया और दे कुछ नहीं रहे। अगर सरकार आपको 3-4-5 गुना ज्यादा मुआवजा देती है तो क्या आप तैयार हैं? घर बना के दे दे, हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए। इन्होंने बिल्कुल खाली जगह नहीं ली, ये कहते हैं कि स्लाइड एरिया है। अगर जम्मू से चल रहे हैं आप, श्रीनगर जा रहे हैं, कितने स्लाइड एरिया हैं ये दिखाएं, वहाँ पे कौन सा प्लेन जगह है, तो यहाँ पे स्लाइड एरिया है, ये स्लाइड एरिया इन्होंने गिन दिया। वो वहाँ पे जंगलात है, ये जाते नहीं है, और लोगों को 38 घर जा रहे हैं यहाँ से, 38 घर मूरी से लेके उधर तक। आगे एक जियो का टावर है, इन्होंने जो भी बचा दिया, उसके बाद आगे एक एंट्री होटल है, उसके बिल्कुल जंगलात में गए हैं, उसको बिल्कुल बचाया है इन्होंने। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा, NH1 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय हम कटरा तहसील के पैंथल ब्लॉक के मूरी इलाके में खड़े हैं और आप मेरे पीछे ये लोग देख सकते हैं जो एकत्रित हुए हैं अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर। और वो प्रॉब्लम जो है वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लेकर इनको है। इनका कहना है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है उसमें इन लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, जो अभी तक सर्वे हुआ है। इस बात को लेकर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों तक से भी ये लोग मिले, लेकिन इनको कोई भी एक्शन इनकी बात को लेकर होता हुआ नजर नहीं आया। तो आज इन्होंने NH1 को कॉल किया है, इनसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्यों इनकी प्रॉब्लम का हल नहीं हो पा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन तक के कानों तक ये बात इनकी पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी प्रॉब्लम हल हो सके। सबसे पहले सर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोगों ने आज मीडिया को याद किया है? सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं नायब सरपंच दीप्ति से हूं और इन लोगों के साथ काफ़ी समय तक हम बड़ी जगह पर गए। सबसे पहले जब यहाँ पर सर्वे हुआ तो यहाँ पर जो सर्वे करने वाले आए उन्होंने सर्वे किया, नोटिस लगाया, इन लोगों ने उसके बाद अप्रोच की DC के पास कि 20 दिन के अंदर आप कुछ कह सकते हो कि रोड को चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वहाँ पर गए, हमने वो दिया, उसके बाद वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
और उसके बाद ये रोड जो है आपने जहाँ पर कैमरा लगाया होगा, ये रोड सीधा जा सकता था। 37 से 40 घर इस गांव में आ रहे हैं, दुकानें आ रही हैं, लोगों का बिजनेस खराब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मकान जा रहे हैं, बल्कि उनके पास जगह भी नहीं है मकान बनाने के लिए। तो हमारा मेन मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि वो लोग जिनके मकान जा रहे हैं, सबसे पहले उनको जहाँ तो मकान बना दिए जाए, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। जिनके पास जगह है भी, ऐसी जगह पर जगह है जहाँ पर ना तो रास्ता है, ना वो वहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं। कुछ लोग इतनी उम्र के हैं, 90-90 साल उनकी उम्र है, वो उनके पास मेन पावर नहीं है, मकान कैसे बनाएंगे। तो हम ये कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि मकान जा रहे हैं, ज़मीन जाए कोई बात नहीं, मकान के बदले उनको मकान बना दिया जाए, कोई फ्लैट वगैरह बना दिए, गवर्नमेंट की जगह जहाँ पर काफ़ी है, जंगलात की है या सरकार की है, वहाँ पर इनको फ्लैट बना दिए जाए। मकान के जो इनको पैसे देने हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, इनको मकान के बदले मकान बना दिया जाए। दूसरी बात ये है कि रेट की ये बात करते हैं कि हम 4 गुना ज़्यादा देंगे या 3 गुना ज़्यादा देंगे, अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि रेट कितना देना है कितना नहीं देना है, सब लोग अंधेरे में है। जहाँ पर एक दो बार अपने SDM साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने भी बताया कि 4 गुना रेट दे रहे हैं, लेकिन तो रिटर्न में किसी ने अभी तक लेकर हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये लोग बड़े परेशान, अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना रेट मिल रहा है, अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लियर नहीं है। एफिडेविट से मांग रहे हैं कि हमें एफिडेविट दो कि हम आपको इतना रेट देंगे इतना रेट देंगे, लेकिन कोई नहीं है। उसके बाद इन्होंने अपनी अप्रोच, ये देखिए हमारे पास लिखित में यह है, भेजी हुई है, DC मैम के पास भी गए, DC के पास, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इन्होंने अपने जो लेटर भेजा वहाँ से एक इनको ये अपनी प्रॉब्लम आप लेकर गए हैं आगे। लेटर हमने वहाँ पर दिया, वहाँ से भी चिट्ठी आई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आई कि आप जाइए वहाँ पर सर्वे द्वारा दीजिए लोगों की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने वो जो नेशनल हाईवे वाले हैं, उन्होंने अपने से ही घर में ऑफिसों में बैठ के वो सारा लिख दिया कि एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ वैली है, रोड दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। हम लोगों से मिलके आए हैं, ग्राउंड में गए हैं, लेकिन जहाँ पर कोई भी बंदा उनका जहाँ पर नहीं आया है, रिपोर्ट बना के उन्होंने वापस उनको सबमिट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम इनको लोगों की मेन है। दूसरी चीज़, DC रियासी ने क्या कहा? DC रियासी के पास ये देखिए 3 से 4 बार ये गए हुए हैं, हम लोग भी इनके साथ गए हुए हैं, उन्होंने SDM साहब को किया, SDM साहब भी जहाँ पर आए, उन्होंने लोगों को बताया कि रोड चेंज नहीं होगा, पर रोड चेंज नहीं होगा, लेकिन कहा कि अब ये फाइनल है। हाँ, अब ये फाइनल है कि ये थोड़े से लोगों के लिए या थोड़े से घरों के लिए रोड की अलाइनमेंट चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम इनको इस चीज़ का आश्वासन तो दिया जाए कि इनको कोई घर बनाकर दो, जो बंदा घर नहीं बना सकता, जिनके पास जगह ही नहीं है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल कि 2 गुना या 4 गुना इनको रेट ज़्यादा मिलता है सर, तो आप बताइए कि 10 या 20 लाख रुपये कनाल रोड की साइड पर जगह कहाँ से मिलेगी? नामुमकिन है। ये लोग घर बनाएंगे, जगह लेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये लोग परेशान हो चुके हैं। आ जाकर कहाँ जाते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, हम इनको अपने साथ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, और आज मीडिया को हमने आज तक नहीं बुलाया, आज पहली बार हम आपको बुला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये हमारी समस्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पहुँचे, दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचे, रोड के खिलाफ हम नहीं हैं, सरकार के साथ हम हैं, रोड बनना चाहिए, लेकिन रोड ऐसा बनाए कि लोगों को नुकसान ना हो, कम से कम इनको तो मुआवजा जो मिलना है वो मिले, घर इनको मिले, ये हमारी इनके साथ मुहान है सर। हमारे साथ यहाँ रमेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने थोड़े महीने पहले DDC की इलेक्शन भी लड़ी और एक सरपंच भी रह चुके हैं। रमेश जी, क्या कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं इन लोगों के घर बचाने के लिए, और क्या आप इनकी मांग को जायज़ मानते हैं? सबसे पहले मैं दिमांशु जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी एक कॉल पर इधर आ गए और हमारे लोगों की समस्या उजागर करने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात है, ये लोगों की सही डिमांड है, ये इसका अलाइनमेंट इसकी चेंज हो सकती थी, लेकिन इन्होंने पूरे मोहल्ले ही उजड़ दिए हैं, और लोगों को कोई पता नहीं है कि कितने पैसे हमें मिलने हैं, सहवा में तीर मार रहे हैं, नापते हैं, कुछ आ जाते हैं, कभी PWD वाले, कभी रायपुर वाले, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, एक दो को जिनके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ज़मीन कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे वो। जब हम लोगों ने अप्रोच की रियासी DC के पास भी गए, उसने SDM को लिखा, ये ऐसे ही पापड़ बेलते रहते हैं, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। कितने घर यहाँ पे टूटने की आशंका है? 38 घर हैं, कुछ दुकानें हैं, ऐसी दुकानें हैं जिनका इन्होंने PWD ने कुछ 7 लाख बना रहे हैं, कुछ का 8 लाख है, जो 10-10 बंदे काम कर रहे हैं, और घर के 5-5 बंदे हैं, वो पूरा एरिया बेरोजगार हो जाएगा। इसके लिए हमने जितनी हमारे पास पहुँच हो सकती है हमने अप्रोच की, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी इन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा और गडकरी साहब को भी लिखा, लेकिन भाई क्या जवाब आया, कुछ नहीं आया। हवा में ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें बेवकूफ़ बना रही है, जहाँ हमें आए बिठाए, हमें पूरा बताए भाई इसका जी अल्टरनेटिव है, हमारी समस्या सुने, तो इसके लिए हम आपके जरिए उनको बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों के बीच जाओ, हमें समझाओ कैसे करना है, कैसे एडजस्टमेंट हमारी करनी है। बिल्कुल, ये आप यहाँ पे लोगों की तकलीफ सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, PMO को भी लिखा, PMO ने NHAI को लिखा, लेकिन NHAI ने, इन लोगों का कहना है,
एनएचएआई ने फिर दोबारा कोई सर्वे किए बिना अपनी एक रिपोर्ट बनाकर पीएमओ ऑफिस भेज दी और कह दिया कि एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ वैली है तो सड़क इधर से ही चलेगी। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि सिर्फ इसी इलाके में मूरी में 38 घर टूटने वाले हैं जो अभी लास्ट जो सर्वे हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का भी कहना है कि ये फाइनल सर्वे था। और ऐसा ही त्रीन म्याड़ी में भी होने वाला है, मगाल में भी होने वाला है। जो ये इलाके हैं यहाँ पे काफ़ी घर टूटने वाले हैं। लेकिन हमने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश की कि इन लोगों को मुआवजा कितना मिलेगा, तो उन्होंने कहा अभी क्लियर नहीं है। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो फाइनल सर्वे क्यों हुआ? इन लोगों को फाइनली क्यों नहीं बता दिया जाता कि आपको इतना पैसा मिलेगा ताकि ये भी कोई डिसीजन ले सकें? लेकिन फिलहाल इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे सड़क का एक दूसरा अल्टरनेटिव बन सकता है। इनके लाख कहने पर ना पीडब्ल्यूडी ने, ना रेवेन्यू ने, ना किसी डिपार्टमेंट ने इनकी सुनी और इस रास्ते को मोड़कर मोहल्ले उजाड़ते हुए ले जाया जा रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को। हमारे साथ यहाँ एक और शख्स जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो प्रॉब्लम आ रही है? सर मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है सर, अपना लोकल बॉडी को जितना भी परेशानी आ रही है पूरा डिपार्टमेंट की वजह से, नेशनल अथॉरिटी की वजह से आ रही है, बिल्कुल जीरो रिस्पांस आ रहा है। लोगों का पूरा मकान, घर, दुकानें सब जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो भी नौजवान हैं आगे का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। इनको थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो आपके माध्यम से यही इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ यहीं की मूरी की कुछ महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आंटी थोड़ा भी घर आवा बिच? हाँ जी, घर आवा जी। ते हुण तुस क्या आखना चाहगे सरकार की? बल्कि सरकार ही आखना चाहनी है कि कुछ दिन पहले वो लिस्ट आउट होई है भाई 9 लाख रुपया वो बना दा माजवा मकान दा। मतलब अस ये नहीं चाहते हैं कि 9 लाख रुपये मकान नहीं बनता है साढ़ा। तो अस गौरमेंट कन्नै, मतलब कि सरकार कन्नै ये चाहते हैं कि असी खुद गै मकान बनाइए दियो, खुद बाड़ी दियो, तो अस ठीक हैं, राजी हैं। माल मवेशी बच्चे और साढ़ी बच्ची अगर ग्रैजुएशन करा दी है, उंदे सिरै पर इंटेंशन है कि भाई अस केह् होग, कुत्थें जाह्गे, की होग, पढ़ाई दी भी पूरी डिस्टर्ब होआ दे बच्चे साढ़े। तुसें कुसै दे अग्गे गल कीती, कुसै दे अग्गे रखी गल, कुसै सरपंच दे अग्गे, पंच दे अग्गे गल रखी तुसें? सारे दे अग्गे रखी आ, सरपंच डीसी तक नहीं सुनियां साढ़ियां। सरपंच कौन सुनने आले होए साढ़े? डीसी कोल गेदे हे तुस? मेरे घर आह्ले गेदे। क्या आखिया डीसी ने? उन्हें आखिया भाई हुण होई नहीं सकदा है, होई दा तुस लेट आ पुज्जे हो। अगर मकाने दा कुछ भी थोड़ी जेड़े रोड रोड कशा थोड़ी देर दूर होंगन उंदा अस करी सकगे। थोड़ा कच्चा मकान है? पक्का पक्का मकान है। जदों बनाया हा किन्ने पैसे लगे थोड़े? पैसे लगी होने 8-9 लाख गे। 11 लाख रुपया? हां 11 लाख रुपया लगे। 11 लाख। हमारे साथ यहाँ के एक और शख्स मुकुंद लाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मुकुंद जी, घर जो लोग बता रहे हैं कि घर टूटने वाले हैं, जो फाइनल सर्वे हुआ है, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम डीसी के पास गए थे, डीसी ने हमारे को पहले तो मना कर दिया, फिर हमने 2-3 बार उसके साथ पूरी बात की। ये भी हमारे साथ शख्स उस टाइम, उसने डीसी ने हमारे को बोला भाई जो रेड़े ठेले हैं मैं वो नहीं बचाऊँगी, मकान बचाने के लिए मैं आऊँगी, आई नहीं बल्कि। ठीक है, कितने दिन हो गए इस बात? इस बात को कम से कम भी 1 महीना हो गया। ठीक है, तो पहले 2 सर्वे हुए थे, ये जगह जा रही थी पूरी 2 सर्वे में, और ये इन्होंने सर्वे किया ड्रोन में। तो ये 2 चेक पोस्ट हैं यहाँ, एक पुलिस चेक पोस्ट है, एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, उनको बचाने के चक्कर में पूरा मल्ला उड़ा दिया, पूरे मकान, जिसका मकान आ रहा है, जिसकी दुकान आ रही है, सब कुछ उड़ा दिया और दे कुछ नहीं रहे। अगर सरकार आपको 3-4-5 गुना ज़्यादा मुआवजा देती है तो क्या आप तैयार हैं? अपना घर बना के दे दे, हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए, हमारे को घर बना के दे दे जगह लेके। यही मांग करते हैं सरकार, हमारे को घर दे के और हमारे को रोज़गार दे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी आज बीएससी कर रही है, उसके दिमाग में टेंशन है। बेटा मेरा 12th में पढ़ रहा है, उसके दिमाग में टेंशन है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, कहाँ जाएंगे हम? क्या यही टेंशन है कि घर टूटने वाला? घर टूटने में टेंशन है। तो डीसी से आप मिले, डीसी ने कोई क्लियर आपको बताया? हमारे को कि क्लियर बोला जाओ हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तो मैं आऊंगी देखूंगी। मुआवजे को लेकर कोई क्लियर बात नहीं? कोई क्लियर नहीं की हमारे साथ, मुआवजे को हमारे को कोई क्लियर नहीं किया। हमारे से भाई 4 गुना देंगे, 5 गुना देंगे, कोई क्लियर नहीं। ये लोगों से हम बातें सुनते हैं भाई 4 गुना मिलेंगे, 5 गुना मिलेंगे, ऐसे लोगों से सुन रहे हैं हम।
कोई आप यहाँ तकलीफ समझ सकते हैं कि क्लैरिटी मुआवजे को लेकर नहीं है और लोग चाह रहे हैं कि सरकार उन्हें रोजगार और घर बनाकर दे दे, चाहे फ्लैट बनाकर दे दे, तो फिर चाहे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुआवजे की बात आती है तो इनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है और लोगों की शुरू से, यहाँ के लोगों की शुरू से डिमांड रही है कि मोहल्लों को ना यहाँ पे उड़ाया जाए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि जो पहले सर्वे हुआ था वो किसी और जगह से ले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर यहाँ से मूरी जो जगह है वहाँ के मोहल्लों को, यहाँ पे 38 घर हैं, उनके टूटने का अब खतरा बना हुआ है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अंकल जी, के क्या क्या खा देते उस के चांदे हो सरकार को? करोड़ चेंज हो या पैसे की जरूरत नहीं, मकान की जगह नहीं है, दूसरी जगह कुछ जाना। किन्नी उम्र है थोड़ी? करीब 90 साल। 90 साल उम्र है, तो अगर सरकार तुम्हें मुआवजा ज़्यादा दें तो फिर तुम तैयार हो जाने ले? मुआवजा नहीं चाहिए, मकान चाहिए, रहने ऐसे मकान चाहिए। उन्हें मैं दिखाना इतने कई लोगों दुकाना भी हैं, ढाबे भी हैं, तो फिर रोजगार की भी तुम्हें मुश्किल पी जानी जल्द इतने भजो। मेरा सिर्फ घर है कि बस उही जा रहा, जमीन भी सारी जा रही, मकान भी सारा जा रहा, जमीन भी जा रही, जाना कुछ है। नौकरी फौज की थी, मैं फौज नौकरी की थी, 24 साल के बाद आया मैं पेंशन, उस गुजारा हुआ था, नहीं तो कहना मुझे कुछ भी नहीं, खाली बेकार बेकार कर दिया। बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, आगे पोते पोतियाँ हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आगे, यही। आप क्या कहते हो ये जो सब हो रहा है? ये हमारे के लिए सरबा गलत है, जो इनका सरबा हुआ था ना, पहले जो सरबा हुआ था। आपका भी घर टूट रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारी दुकान जा रही है, घर जा रहा है, अभी हमने तैयार किया है, 2 साल हो गए हैं उसको, मकान को तैयार किए हुए, वो पूरा जा रहा है, हमारे पास जगह ही नहीं है। उसके पीछे 4-5 लेनी है स्टेट लैंड की, जब जहाँ तो ये लेने उठा दी या फिर हमने जगह दे दी, उतनी पीछे मकान बनाने की कोई जगह नहीं है। जितने भी इनके सर्वे हुए हैं, इन्हें कम करते करते हुए सर्वे सब गांवों की तरफ ले गए हैं, उसके बाहर में हमारे आगे जगह है जो वो खाली है, इन्होंने बिल्कुल खाली जगह नहीं ली। ये कहते हैं कि स्लाइड एरिया है, अगर जम्मू से चल रहे हैं आप श्रीनगर जा रहे हैं, कितने स्लाइड एरिया हैं ये दिखाएं, वहाँ पे कौन सा प्लेन जगह है, तो यहाँ पे स्लाइड एरिया है, ये स्लाइड एरिया इन्होंने गिन दिया, वो वहाँ पे जंगलात है, ये जाते नहीं हैं। और लोगों को 38 घर जा रहे हैं यहाँ से, 38 घर मूरी से लेके उधर तक, आगे एक जियो का टावर है इन्होंने जो भी बचा दिया, उसके बाद आगे एक एंट्री होटल है, उसके बिल्कुल एक जंगलात में गए हैं, उसको बिल्कुल बचाया है इन्होंने, कोई चीज़ उसकी तोड़ी नहीं है इन्होंने। अगर इनका सीधा सरबा जाए तो वो एंट्री होटल पूरा उड़ जाता है, ये हम कहना चाहते हैं। आपने साफ सुना कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस एक्सप्रेस वे के लिए जियो टावर को बचाया जा रहा है जो मेयाड़ी गाँव में पड़ता है, और उसके कुछ ही दूरी पर एक रिजॉर्ट है, बड़ा मशहूर रिजॉर्ट कंट्रेन, उसको भी बचाया जा रहा है। ठीक इन दोनों स्पॉट से पहले मेयाड़ी की तरफ टर्न लिया जाता है और घरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, बड़ा इंतज़ार है सबको, इनफैक्ट पूरे राष्ट्र को इंतज़ार है इस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का, लेकिन कितने घरों की, कितने बिजनेसिस की बलि चढ़ेगी ये ना सरकार को पता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, तो सिर्फ इन लोगों को। और इन लोगों के आज यहाँ एकत्रित होने का भी यही एक रीज़न था कि ना तो इनको मुआवजे का पता है, और इन लोगों की साफ साफ मांग है कि यहाँ पे इतनी जगह है कि जो ये एक्सप्रेस वे है वो दूसरी जगह से ले जाया जा सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ मोहल्ले के मोहल्ले उजाड़े जा रहे हैं, यहाँ पे खेतीबाड़ी जो इनका ज़रिया है उसको उड़ाया जा रहा है, जो ढाबे दुकानें हैं उनको उड़ाया जा रहा है। इन्होंने डीसी से भी बात की, इन्होंने पीएमओ में भी लिखा, पीएमओ ने एनएचएआई को लिखा, और एनएचएआई ने इनकी बात का कोई सर्वे ना करते हुए अपने से एक लेटर फिर पीएमओ को लिखी, और उसके बाद इनको जवाब आता है कि ये अब फाइनल सर्वे है। लोग यहाँ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये तो रही सिर्फ एक मुरी गांव की बात, उसके बाद त्रीन म्याड़ी मगाल और ना जाने और कितने गांव हैं जिनके घर उजड़ने की आशंका इस एक्सप्रेसवे ने अब बना ली है, और सिर्फ एक ही डाउट कि मुआवजा कितना होगा, और अगर मुआवजा मिलता भी है तो कई दंपतियां अब इतने बूढ़े हो चुके हैं देश की सेवा करने के बाद, अब उनमें हिम्मत नहीं है दोबारा घर बनाने की, दोबारा ज़मीन खरीदने की।
प्रशासन को, सरकार को, डिपार्टमेंट्स को अब इनके बारे में फिर से सोचना होगा ताकि ये घर बच सकें और सड़क जो है किसी और रास्ते से कटरा तक पहुंचाई जा सके। कटरा मूरी से मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन।